हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं आज हम बिल्कुल नया चीज़ बना रहे हैं आप लोग के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ कभी नहीं बनाए होंगे। तो ये क्या बना रहे हैं इसको देखने जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए, इसके लिए हम आलू ले लेते हैं। आलू को अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोकर कुकर में डालते हैं उबालने के लिए। इस तरह सब एक एक आलू को धो धोकर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और कुकर को उबलने के लिए रख देंगे गैस पर। चार सीटी आने पर इसे, अब ये पक गए हैं, चार सीटी आलू को लगाए हैं हम। अब इस तरह से इसे छील लेते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल नया चीज़ है ये। इस तरह से सारा आलू को हमने छील लिया है और इसे मैश कर लिए। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक आप अपना जितना लीजिएगा आलू उसके अनुसार नमक मिलाइएगा। अब इसमें हम देख लीजिए मसाला का तैयारी कर रहे हैं। इसमें लहसुन लेंगे, प्याज लेंगे, अब ये सब्जी मसाला है और चिकन मसाला, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, सबको मिक्स करेंगे मसाला को। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसमें, सबको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब जब ये सारा मसाला मिक्स हो चुका है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें आलू में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मैश करेंगे ताकि सारे आलू में मसाला लग जाए। चम्मच से नहीं हो पाएगा तो हाथ से करेंगे इस तरह से, देख लीजिए। प्लीज़ वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, इसलिए कि सब्ज़ी तो है नहीं कि देखकर बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से भी इसे काट कर बना सकते हैं, देख लीजिए। हाथ में लेकर चाकू की मदद से इस तरह से भी, या इस तरह से भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको सुविधा हो। देख लीजिए, ये बनाना बहुत ही आसान है, या इस तरह से बॉल बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बनाना बहुत आसान है। घर के चीज़ों से ही हम बना रहे हैं, बाहर का कोई भी सामान हम नहीं लिए हैं। देख सकते हैं ये तो हर घर में मिल ही जाता है लगभग। देख लीजिए इस तरह से बॉल बना दिए हैं। गैस की तरफ चल रहे हैं, कढ़ाई में तेल हमारा डला चुका है। अब देख लीजिए, ये सूजी ले ली हाथ में, ऐसे करके देख रहे हैं गर्म तेल हुआ कि नहीं। अब सूजी ले लिए, उसी में बॉल को कोट करके डालेंगे। पहले एक बॉल डालकर देख कर निकाल लेते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं। देख लीजिए सारे बॉल्स को इसी तरह से सूजी में कोट कर लिए हैं। तेल पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। एक एक बॉल को देख लीजिए, हम इस तरह से डालते जा रहे हैं। बिल्कुल नया डिश है, आप लोग कभी नहीं बनाए होंगे। इस तरह से जितना हमारा कढ़ाई में आ सकता था हमने बॉल डाल दिया और धीरे धीरे तेल को हिलाना है, बॉल को नहीं। तेल को हिलाते जाएंगे, जब थोड़ा पक जाए तब बॉल को हिलाएंगे। उलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, इसे क्रिस्पी होने तक इसे हम तलेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर। कोई कह सकता है कि ये आलू से बना हुआ है? देखकर मुँह में पानी आ गया ना। देख लीजिए अब ये लगभग हमारा तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब इसे हम निकालेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कितना महंगा मिठाई है। इस तरह से सारे बॉल को निकाल लेंगे हम। देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब हम सॉस का तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सब सॉस को एक में कटोरी में निकाल लेंगे। टमाटो सॉस डाले, सोया सॉस डाले, अब चिली सॉस डालेंगे इसमें हम। अब सारे सॉस को मिक्स कर लेंगे। देख लीजिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे और एक एक बॉल को इसमें डाल डाल कर अच्छी तरह से डिप करके और प्लेट में सर्व करते जाएंगे। देख लीजिए
इस तरह से सारे बॉल्स को हम कोट कर करके सॉस में प्लेट में रख दिए। अब ये देखिए हम सर्व कर रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है देखकर, कितना अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब हम तोड़ के दिखाते हैं, देख लीजिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एकदम सॉफ्ट है, इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं अंदर एब्जॉर्ब करता है। एक बार मेरे तरीका से ज़रूर बनाइए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।